अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और छुट्टियां चल रही है तो मैं 8 बजे तक सोती हूँ, लेकिन ये कृष्णा सुबह सुबह मोबाइल लेके बैठा है। और अंजलि ने मुझे कल रात को ही तेल मालिश करके दे दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आना मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन इसीलिए क्योंकि आज मेरा म्यूजिक वीडियो जो है वो रिलीज होने वाला है। सो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और हाँ, हम है ना कृष्णा का बर्थडे इतना अच्छे से मना नहीं पाई क्योंकि है ना बारिश चल रही थी और ऊपर से लाइट भी नहीं थी। तो इसीलिए मैंने ना अपने 3 मिलियन का सेलिब्रेशन भी नहीं किया, क्योंकि यार देखो कृष्णा का बर्थडे हम इतने अच्छे से मना नहीं पाए तो मैं अपना 3 मिलियन का सेलिब्रेशन कैसे मना सकती हूँ, है ना। इसीलिए फिर हमने 3 मिलियन का सेलिब्रेशन कैंसिल किया। अभी हम सीधा 4 मिलियन का सेलिब्रेशन करेंगे, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे तो अभी 1 मिलियन होने ही वाला है, तो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन का सेलिब्रेशन करेंगे। और हाँ, अभी है ना मैंने बालों में तेल लगाया, तो जल्दी से मैं जाके हेयर वॉश करती हूँ और नहा के आ जाती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। चलो जल्दी से पेट पूजा कर लेते, ये रहा आज का खाना। देखो बारिश जो है वो रुक चुकी है और मौसम अभी है ना एकदम अच्छा हो गया है। कल रात में ना बहुत तेज बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, इसीलिए ना मैंने मेरा 3 मिलियन का सेलिब्रेशन नहीं किया, लेकिन है ना हमने कृष्णा का बर्थडे एकदम अच्छे से मनाया। और ये देखो ये रहा डेकोरेशन, अभी थोड़ी देर में ना इसको आके निकाल के लेके जाएंगे। शायद 3 मिलियन का सेलिब्रेशन मेरे नसीब में ही नहीं था, या फिर भगवान ऐसा चाहते हो कि 4 मिलियन का सेलिब्रेशन हम जल्दी करें। सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया है तो। कोई बात नहीं, 3 मिलियन का सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, 4 मिलियन का सेलिब्रेशन हम जल्दी करेंगे। तो अभी है ना कुछ बच्चे आए इसलिए मम्मी है ना उनको केक और ये जो मैंने गिफ्ट लाया ना ये देंगे। सॉन्ग रिलीज का फंक्शन है ना वो है शाम को 6 बजे और आज है ना पापा भी घर पे है, तो चलो कृष्णा का बहाना बना के मूवी जाने का प्लान बनाते हैं। हम सब लोग जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान मूवी देखने के लिए। पापा मैं क्या बोल रही थी, कृष्णा को मूवी समझ आएगी, उसको अच्छी लगेगी। नहीं, अगर उसको मूवी समझे चाहे ना समझे, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान कौन थे। एक बाण राम का, एक बाण अर्जुन का, एक बाण कर्ण का और एक बाण पृथ्वीराज चौहान का, ये थे हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पा 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 चलो बाबा, देखो अभी मैं है ना धीरे धीरे चलना सीख गया। अरे ये क्या पापा, तुम तो मुझे इधर आई के पास में छोड़ के ना अकेले अकेले मूवी जा रहे हो तुम सब लोग मिलके। इधर देख, चलने का हमको मूवी। लेट्स गो। और मैंने ना बहुत दिनों के बाद में अपना ये चश्मा पहना, बताओ कैसा लग रहा है। देख सामने क्या लिखा वाला है, जग में सुंदर दो नाम, कृष्णा कहो या राम। ये देखो ये आ गया रिलायंस मॉल। आज मम्मी देखो ना कितनी सुंदर लग रही है, उन्होंने ना उनका जो नया सूट है ना वो सिलवाया ना, देखो कितना मस्त लग रहा है। पापा सम्राट की एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, चलो जल्दी। अभी है ना सिक्योरिटी ने ना मेरा पर्स चेक किया और आप देखो मेरे पर्स में क्या है। बच्चे वो देखो समोसे की शक्ल देख, वो समोसा अपने को देख रहा, 100 रुपए का एक समोसा है। हाँ इसलिए हम बाहर जाके समोसा खाएंगे। समोसा बहुत हैंडसम लग रहा था लेकिन वो बहुत महंगा है, अमीर समोसा है वो, रिच समोसा।
अच्छा है बच्चे पिक्चर? हाँ। कैसा लग रहा, समझ में आ रहा है देखो? जब सब समझ में कब आएगा? जब मैं कुछ खाऊंगा। कैसी लगी बच्चे देखो मूवी? अच्छी लगी। समझ में आया? हाँ। आ गए हम लोग घर पर मूवी देख के, और मूवी है ना बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जो मेरा कृष्णा भाई है ना, ये मेरा गुरु है। वो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो मैं कृष्णा के लिए गाना गाता हूँ। तेरी आंखों में दिखता जो प्यार है मुझे, मेरी आंखों में भी तुझे दिखता है क्या? तो क्या है ना, मेरा 3 मिलियन का सेलिब्रेशन तो हो नहीं पाया, तो 3 मिलियन के सेलिब्रेशन के लिए मैंने ना ये वन पीस ड्रेस लिया था, तो ये तो मैं पहन नहीं पाई। कोई बात नहीं, आज की पार्टी में मैं यही पहनूंगी। कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है देखो। सो चलो, ड्रेस तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी है ना कस्तूरी मेकअप से है ना मधु दी आने वाली है मेरा मेकअप करने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि यार मतलब मेकअप करके रेडी होना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी गर्ल्स को लगता होगा, है कि नहीं? देखो मधु दी भी पूरा मेकअप का सामान लेके एकदम टाइम से आ गई। हाय मधु दी। हाय। तो देखो वो रहा अपना आउटफिट, उस पे हमें मेकअप करना उसके अकॉर्डिंग। ओके। मधु दी आज मुझे ना एकदम प्रिंसेस के जैसे रेडी करना, एकदम प्रिंसेस बना देना। ओके। प्रिंसेस। ओह माय गॉड, थैंक यू। और आप है ना शॉक हो जाओगे, क्योंकि अभी है ना मुझे लेंस लगाते टाइम ज्यादा डर नहीं लगता, पहले से कम ही डर लगता है। मोमेंट से नीचे देख, थोड़ा नीचे देखो मेरे पास। आराम से आराम से आराम से। लगा रही है नॉर्मल कलर में, क्योंकि है ना मधु दी बोल रही है कि हम ना एकदम सिंपल मेकअप लुक करेंगे। तो फाइनल लुक है ना आपको मैं पूरा मेकअप होने के बाद में ही दिखाने वाली हूँ। अभी बस आप थोड़ा सा मेकअप देख लो कि कैसे कर रही हूँ मधु दी मेकअप। देखो साइड बाय साइड मम्मी भी रेडी हो रही है, और मम्मी का ये पंजाबी सूट कितना मस्त है, और अंजलि भी रेडी हो रही है। जल्दी रेडी हो जा। देखो फिनिश हो गया मेरा मेकअप, कैसा लग रहा है? एकदम नॉर्मल, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मेकअप मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं ना जाके वो ड्रेस पहन के आऊंगी, फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो क्या आप रेडी हो रहे हो फाइनल लुक देखने के लिए? उड़ने के बाद में मुझे चक्कर कैसे आ रहे, और ये लाल बरी को नहीं अपने घर में कैसे आ गए? ये तो मेरी दीदी है। और देखो ना अंजलि ने ना मेरा वाला ड्रेस पहना है, तो अंजलि भी कितनी प्यारी लग रही है। चलो तो डन, सब कुछ सब लोग रेडी हो गए। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो मम्मी बाय। चिकू जा रही मैं, बाय बाय टाटा। तो देख
देखो करण भैया भी आ गए हैं और साड़ी महाराष्ट्र की शान एक रॉयल सॉन्ग है, तो इस रॉयल सॉन्ग के लिए एक रॉयल एंट्री तो बनती है। जब हम पहुंचे तब खुद कलेक्टर मैम ने मुझे रिसीव किया, थैंक यू सो मच मैम। और जब कलेक्टर मैम ने कहा कि उनको भी मेरे वीडियोस पसंद है, तो मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये प्यार कमाया है बिंदास काव्या ने, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कलेक्टर मैम के साथ साथ चलने का मौका मिला। मेरे मम्मी ने कलेक्टर मैम के साथ गणेश जी की पूजा की, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। जो तेरे मन में वो बोल लेगा, तो अगर स्पीच देना हो तो जो है तेरे मन में बोल देना। अभी है ना सॉन्ग रिलीज होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तेरी वजह से हमें कलेक्टर मैम के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला। अरे मम्मी पापा डोंट वरी, मैं आपको हमेशा प्राउड फील कराऊंगी। चलो तो म्यूजिक वीडियो एकदम अच्छे से रिलीज हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। अभी हम लोग चलते हैं घर पर। हमारे ये फंक्शन तो एक गेम जोन में था, और जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा यहाँ तो इतने सारे गेम है। यहाँ इस गेम जोन में कृष्णा के साथ आना तो बनता है, बट रिजल्ट के पहले आना पड़ेगा। एक बार रिजल्ट आ गया फिर तो पापा को कहीं बाहर जाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ आपने ठीक सुना, कुछ ही दिन में रिजल्ट की डेट अनाउंस होने वाली है और इंडिकेटर लगने वाला है। अभी से टेंशन बढ़ रही है, कैसे होगा।
आज के लिए बस इतना ही। अब वेट करो 10 बोर्ड्स रिजल्ट की डेट अनाउंस का और उसके बाद रिजल्ट का। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो फाइनली आज हमारा म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया है, साड़ी महाराष्ट्र की शान, साड़ी महाराष्ट्र, जिसके लिए हमने पूरा एक महीना वेट किया और इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो थैंक यू सो मच, और आप सब लोग भी बहुत सपोर्ट दिखाओ।